अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां पूरे देश में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया गया। रीवा जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बेसिक मॉडल स्कूल पहुंचकर छात्रों के साथ बाल दिवस मनाया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। आयोजन के संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक आशुतोष ने बताया कि बच्चों के बीच पहुंचकर बाल दिवस के आयोजन और क्यों मनाया जाता है बच्चों के साथ जानकारी साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम का आयोजन और सुनाते हैं विभाग संयोजक आशुतोष ने क्या जानकारी दी है। आज जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती में बाल दिवस का कार्यक्रम अपन मॉडल बेसिक क्रमांक 2 में मनाने आए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा। यहाँ पे विद्यार्थी परिषद के कई सारे कार्यकर्ता आए हैं जो न्यू साइंस कॉलेज से आए हैं और हमारे नगर मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं और भाग संयोजक ऐसे रीवा के हमारे उपस्थित हैं यहाँ पे। और इन बच्चों के बीच में हमें बाल दिवस मना करके अपना बचपन भी याद आ रहा है और इनके साथ काफ़ी मज़ा भी आ रहा है बाल दिवस मनाने में हमें। मेरे यहाँ पे अभी लगभग 20 से 25 30 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे कई तरह के कार्यक्रम अभी आयोजन अंदर मंची कार्यक्रम भी हमारा आयोजन हुआ है उसमें कई सारे बच्चों ने प्रतिभागी भी हुए हैं और हमारे यहाँ वितरण का कार्यक्रम भी हुआ है। जो वितरण ऐसा हुआ है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको कॉपी किताब पेंसिल और पहाड़ा जैसी सुविधाओं का भी उपलब्ध कराया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष मिश्रा सम्राट है, मैं रीवा विभाग का विभाग संयोजक हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए समदड़िया आभूषण समदड़िया